सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला नज़र मारते हैं सुर्खियों के वल। भारत बायोटेक ने अमरीका नूं दिता झटका, कोवैक्सीन की एमरजेंसी वरतों की प्रवानगी की रद्द। हिमाचल सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया वड्डा फैसला, हिमाचल सरकार ने सोमवार तो प्रदेश में बसां चलाउण दा कीता ऐलान। पंजाब विच पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 69 मौतां होईयां, 1230 नवे केस आए सामने। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन नूं झटका दिंदे हुए यूएस फूड एंड ड्रग कंट्रोलर रेगुलेटर ने अपने अमरीकन भाईवाल यूकयूजन इनकारपोरेशन नूं सलाह दी है कि वह भारतीय टीके की वरतों लई मंजूरी प्राप्त करन लई वाधू डेटा के नाल नाल एक बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन वाले राह तो बेनती करे। जिही स्थिति विच कोवैक्सीन नूं अमरीका की मंजूरी मिलने लई कुछ होर समा लग सकता है। हिमाचल सरकार दी मंत्रिमंडल दी बैठक सदी गई जिस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। हिमाचल सरकार ने सोमवार तो प्रदेश विच बसां चलाउण दा फैसला किया। हुण हिमाचल आउण दे लई भी RT-PCR टेस्ट की लोड़ नहीं है, इस दे नाल रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। आदेश अनुसार बाजार सवेरे 9 तो शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, पर शनिवार ते ऐतवार नूं बाजार बंद रखे जाएंगे। रात समय करफ्यू जारी रहेगा। सरकारी दफ्तरां नूं 50% स्टाफ की समर्था नाल खोलिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट सैक्टर नूं मुड़ ली ते लियाउण लई 40 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का भी ऐलान किया है। पंजाब विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना दे नाल 69 मौतां होईयां ने, जदों की 1230 नवे केस सामने आए ने, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 15306 हो गई है। हुण सूबे विच कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 585986 है, जदों की 555245 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत चुके ने। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने फतेह किटां दे मुद्दे नूं लै के सौड़ी सियासत खेडण ते लोकां नूं गुमराह करन लई आम आदमी पार्टी दे आगुआं दी आलोचना कीती, क्योंकि आप दी दिल्ली सरकार वल्लों 5 मई 2020 नूं बहुत उच्च दरां ते पल्स ऑक्सीमीटर दी खरीद कीती गई। आप दे नेतावां ते वरदियां सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ते सवाल उठाउण तों पहलां उहनां नूं अपनी पीढ़ी हेठां सोटा मारना चाहीदा है। बीजेपी दे कौमी वाइस प्रेजिडेंट मुकुल राय अते उना दे बेटे सुबरंश राय लगभग 4 सालां बाद अज घर परते ने। TMC छड़ के नवंबर 2017 विच भाजपा विच शामिल होए मुकुल राय पछमी बंगाल दी मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी नाल लंबे विचार वटांदरे तो बाद पार्टी विच शामिल होए। इस मौके ममता बैनर्जी दे भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी दा झंडा लहराया ते मुकुल राय नूं जफ्फी पाई। इस तों बाद मुकुल राय ने कहा कि घर आके चंगा लग रहा है, बंगाल ममता बैनर्जी नाल संबंधित है ते इसे तरह रहेगा, मैं भाजपा विच नहीं रह पा रहा सी। इस दे नाल ही ममता बैनर्जी ने कहा कि उन्हां नूं खुशी है कि मुकुल घर परते है।
पंजाब सरकार वालों माइनिंग दे नाल संबंधित गतिविधियां दीयां शिकायतां दी निगरानी ते निवारण करन लई इक एंड्रॉयड ऐप तैयार कीती गई है। एंड्रॉयड ऐप गलत शिकायतां नूं घटाउण लई भी मददगार होवेगी। जानकारी दिंदे होए रूपनगर दी डिप्टी कमिश्नर सोनाली गिरी ने दस्सिया कि इस ऐप विच सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ते सारे कार्यकारी इंजीनियर, काम जिला माइनिंग अधिकारी समेत माइनिंग डायरेक्टर प्रबंधकी मुखी वजो शामिल होणगे। उन्होंने कहा कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर ते पंजाब माइंस दे नाम ते उपलब्ध है ते हर एंड्रॉयड उपभोक्ता इस ऐप नूं डाउनलोड कर सकदा है। कामयाब पंजाब खुशहाल किसान मिशन के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मुहिम शुरू की है, जिस दे तहत किसानों की आमदन विच निरंतर आधार उत्ते सुधार लियाउण ते भविख लई वातावरण संतुलन नूं सलामत रखण की लोड़ ते जोर दिता गया। जिक्रयोग है कि पंजाब सरकार ने 3 साल 3,780 करोड़ की लागत नाल कामयाब किसान खुशहाल पंजाब मिशन की शुरुआत की है। खेतीबाड़ी बागवानी भूमि ते जल संभाल विभागां दे कामकाज दा वर्चुअल तौर ते जायजा लैंदे होए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां कोल खेतीबाड़ी दा महकमा भी है, ने खेतीबाड़ी सैक्टर विच वख-वख सरकारी स्कीमां नूं जोड़न दी महत्ता ते जोर दिता। पंजाब पुलिस ने विदेशी पिस्टलों की एक खेप बरामद की है ते इस दे नाल ही हथियारों की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान आधारित अत्तवादी संगठनों नाल जुड़िया होया सी ते एक यूएसए आधारित हैंडलर के निर्देशों ते गतिविधियां नूं अंजाम दिंदा सी। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने दसिया कि जगजीत सिंह उर्फ जग्गू नूं पंजाब इंटरनल सिक्योरिटी विंग SSOC अमृतसर की टीम ने अमृतसर के कथू नंगल नेड़ियों गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने कार विचों 2 नाइलॉन के बैग बरामद किए ने, जिन्हां विच वख-वख देशां ते बोर वालियां 48 विदेशी पिस्तौलों समेत मैगजीन ते कारतूस सन। देश भर विच पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां विच भारी वाधा कीता गया। इसे दे विरोध विच चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सैक्टर 21 स्थित 2 पेट्रोल पंपां अगे रोस प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ कांग्रेस दे मुख बुलारे HS लक्की दे अनुसार यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी दे देश व्यापी विरोध प्रदर्शनां दा एक हिस्सा सी। लक्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां विच रोजाना हुंदे वाधे दे विरुद्ध है। घट गिनती कमिश्न पंजाब दे चेयरमैन प्रोफेसर इमैनुअल नाहर दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 35 कास्ट चर्च बिदीपुर धारीवाल ते वख-वख थावां दे उच्च अधिकारियों नाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दौरान उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान ते चर्च दीयां प्रॉपर्टियां कोई वेच नहीं सकता, जे अजिहा कोई करदा तां असीं उस दे विरुद्ध एक्शन लवांगे। इस मौके अरुणा गिल नूं घट गिनती कमिश्नर दा मैंबर बनाया गया। बीती देर रात बिजली विच फॉल्ट पैन दे नाल अते तेज हनेरी दे चलदियां फिरोजपुर दे कस्बा आरिफ के अधीन आउंदे पिंड निहाला लवेरा विखे बिजली ठीक करन लई ट्रांसफार्मर ते चढ़े बिजली विभाग दे कच्चे मुलाजम नूं करंट लग गया, जिस नाल ओह करीब 1 घंटा ट्रांसफार्मर ते ही लटकया रहा, जिस नूं पिंड वासियां ने बड़ी मेहनत मुशक्कत दे नाल उतार के आरिफ के दे निजी हस्पताल विखे दाखिल करवाया। परिवारक मैंबरां ने कहा कि सारी बिजली महकमे दी अणगहली है ते उन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहीदा है। मोगा दे पिंड तलवंडी पंघेरिया विखे एक 17 साला लड़की ने अपने घर ही ची फाहा लैके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लड़की की लाश कोलों एक सुसाइड नोट भी बरामद होया, जिस विच उसने अपने स्कूल दे प्रिंसिपल दी लड़की ते उसे स्कूल विच काम कर रहे एक मास्टर ते उसनू खुदकुशी करन लई मजबूर करन दे इल्जाम लगाए ने। तुहानू दस दईए कि यह लड़की कैनेडियन सिटीजन है ते अपने नानके पिंड नाना नानी कोल पिछले कई सालों तों रह रही सी। फिलहाल पुलिस वल्लों सुसाइड नोट दे आधार ते 2 जणियां विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया ते अगलेरी जांच की जा रही है।
लुधियाना पुलिस ने कन्ने कतल की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए प्यो पुत को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान दिलीप कुमार ते उसके बेटे दीपक कुमार वजों हुई है, जिन्होंने रंजू देवी नाम की 38 साल महिला की पिछले दिन ही तेज धार हथियारों के नाल कतल कर दिता सी। महिला की लाश को 4-5 बोरिया में पैक करके खाली प्लाट में सुट दिता सी। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने ही समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।